गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, मुझे आज हम से बात करेंगे को प्राइम नंबर। इससे पहले हमने देखा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, क्या होती है प्राइम नंबर, फिर ट्विन प्राइम नंबर, उसके बाद अब है को प्राइम नंबर। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि को प्राइम प्राइम से मतलब कई क्या सोचते हैं कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जैसे ट्विन प्राइम नंबर में क्या है कि कंपल्सरी दैट दे बोथ आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो ट्विन प्राइम यानी ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू है, जिनका डिफरेंस टू है। जैसे मैं लिखूँ 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका डिफरेंस 10 या 2 है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। ये मैंने डिस्कस किया नहीं, ठीक है, ये ट्विन प्राइम है। लेकिन को प्राइम से मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ अगर को प्राइम से अगर मैं कहूँ कि तो ऐसे नंबर, अब यहाँ प्राइम नहीं कहूँ मैं, उनके क्या करते हैं वो देखते हैं ये प्राइम है तो मतलब प्राइम ही होना कंपल्सरी जरूरी नहीं है। आप ये कहो कोई भी ऐसे आप दो नंबर ले आओ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये उन्होंने लिया और इनका जब एचसीएफ हम फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। तो प्राइम नंबर का जो है एचसीएफ तो हमेशा ऑलवेज 1 ही होता है। प्राइम नंबर कैसे लो, जैसे जैसे आपने 11 लिया 30 लिया तो इनका एचसीएफ भी जाएगा 1 ही आएगा। तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो ऑलवेज हमेशा 1 ही आएगा, इसे आप तो होगी ना। तो यहाँ ये चीज़ नहीं है कि जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी दैट बोथ आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम से मतलब है कोई भी दो नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 2 और मैंने लिया 6, मैंने ये ले लिया। अब इनकी एस सी एफ की अगर मैं बात करूँ तो एस सी एफ जो है इनका एस सी एफ मतलब 2 की अगर फैक्टर करें तो 2 और 6 की करेंगे 2 × 3 और इनका एस सी एफ क्या है 2 आ गया। तो यानी कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, इतना क्या नहीं है को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एस सी एफ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जबकि आना इतना चाहिए था एस सी एफ होना ज्यादा होगा। तो ऐसे दो नंबर, ठीक है, अब चाहे वो कैसे हो सकते हैं, वो नेचुरल हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, प्राइम होना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनका एस सी एफ 1 आएगा, जिनका एस सी एफ 1 होगा वो क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने लिया 16 और 25। तो यहाँ देखिए 16 एक स्क्वेयर नंबर है और 25 भी क्या एक स्क्वेयर नंबर है, और इनका अगर एच सी एफ अगर हम फाइंड आउट करें तो एच सी एफ क्या होता है, इनका 1 आता है, इसलिए दोनों क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ कोई वो लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको क्या है इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा प्राइम को प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। जैसे एक ऑप्शन लिया, जैसे इसने लिया 3, 9, एक ले लिया 10, 25, एक ले लिया उसमें जैसे 7, 8, एक ले लिया उसमें जैसे 20 और 4। तो अगर इनके एस सी एफ की बात करें, इनके एस सी एफ को यानी सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर जिससे यानी कि ये दोनों के दोनों डिजेबल हैं, तो हमें इनका एस सी एफ 3 आ रहा है। इसका अगर एस सी एफ की बात करें तो क्या ना हमारे पास में इनका एस सी एफ आ गया 5। अच्छा, इसके एस सी एफ की बात करें दोनों नंबर यानी कि 1 से ही डिजेबल है। इनकी बात करें तो इनका एस सी एफ मेरे पास में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो किसका एस सी एफ 1 आ रहा है, तो इसका एस सी एफ 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है को प्राइम नंबर है, ये क्या है को प्राइम नंबर होता है, ये को प्राइम। इसके बाद आता है एक ट्रिपलेट, ठीक है ना, ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर ये होता है तो ये सिर्फ एक ही होता है, वो क्या है 3, 5 और 7। बस देखिए तो ऐसे 3 ट्रिपल मतलब 3 ऐसे 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस है बहुत, जैसे इनका डिफरेंस क्या है 2 है, इनका डिफरेंस भी क्या है 2 है, तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर जो है वो एक ही है, वो है 3, 5 और
7 3 5 और 6 और ये इंटरमीडिएट प्राइम नंबर है, इतना ही है इंटरमीडिएट प्राइम नंबर। एक और फिर आता है परफेक्ट, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, या इसे अपन कहते हैं परफेक्ट, ठीक है, या संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। जैसे अपने 5 एक संपूर्ण संख्या है और 10 एक संपूर्ण संख्या है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये संपूर्ण संख्या या जो है परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले इसका रूल ये है कि आप कोई भी नंबर लिए, जैसे आपने लिया 4 की आप लिखेंगे फैक्टर, 4 की आप फैक्टर लिखेंगे 1 से 2 से और 4 से, तो यानी इस तरह से 4 के फैक्टर कितने हैं, 3 फैक्टर हैं, और इनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, कितना आया 7। अब होना क्या देगा, इस 4 का डबल करवा, डबल करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी इनके जो फैक्टर है फैक्टर का सम होना चाहिए था 8 और है कितना 7। अगर ऐसा है किसी भी नंबर के फैक्टर का सम उसका डबल है, किसी भी नंबर के फैक्टर का सम अगर उसका डबल है, तो वो आपके क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर, उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे हमने 4 के फैक्टर लिखे, तो 1, 2 और 4, और इनका सम कितना आ गया 7, आना चाहिए था 8, अगर 8 आ जाता मैं, तो हम इसको बोलते हैं कि 4 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, 4 क्या है, परफेक्ट नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 to 100 तक अगर बात करें, तो आपके पास 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, एक है 6 और एक है 28, 1 to 100 तक अगर बात की जाए, तो 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, 6 और 28। अब ये कैसे हैं वो देखो आप, तो मैं क्या करूँगा, 6 के पहले फैक्टर, मैं फैक्टर लिखूँगा 6 के, और 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल होता है 12, यानी कि इनके फैक्टर का सम क्या आना चाहिए, मेरे पास में 12 आ रहा है, इसको मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो देखो फैक्टर इसका 1 हो गया, 1 के बाद 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और 6 से, अच्छा इन सब का क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, 3 3 6 6 और 6 12, क्या रहा है, डबल आ रहा है, 6 का क्या हो गया ये डबल, इसलिए 6 क्या एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। ऐसे 28 के लिए 28 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से होता है, उसके बाद में 7 से होता है, 7 के बाद 14 से होता है, और 14 के बाद 28 से होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 28 के यानी कि मेरे पास में 6 फैक्टर हैं, और इनका अगर मैं सम करूँ, इनका सम करूँ, तो इसका डबल क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 56, यानी ये इनका सम 56 होना चाहिए। तो प्लस करें तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 7 7 में 7 14, अच्छा 14 और 14 28 और 28 और 28 क्या हो गया 56, क्लियर आ गया 56। इसका मतलब जो है ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ बात करें हम कि परफेक्ट नंबर, रिपीट कर दूँ, परफेक्ट नंबर का मतलब ये है कि किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करें, और उन फैक्टर को क्या करें, अगर हम उनका सम करें, तो उस नंबर का क्या आना चाहिए, वो डबल आना चाहिए, अगर डबल आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर है, वरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चले जैसे बोल लें, देखिए 6 और 28 ये दो क्या हैं, ये परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने लिया 8 ले लेते हैं, 12 की फैक्ट्री मान लेते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से
और इसके बाद 12 से, तो ये 12 ये हो गए फैक्टर। एक जाना कि तो प्राइम फैक्टर होता है ना, फैक्टर ये फैक्टर है, प्राइम फैक्टर अलग चीज है। प्राइम फैक्टर की बात करें हम, इसके प्राइम फैक्टर की करें 2 × 2 × 3, ये है प्राइम फैक्टर इसकी, और ये है फैक्टर। तो इनका सम करें देखो 3, 6, 10, 10 और 6, 16 और 16 और ये क्या होना 28, तो इसका डबल कितना होता है 24, और सम कितना आ रहा है 28 इसको मतलब ट्वेल्व क्या है एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर कौन से हैं 6 और 28 1 to 100। तो ये पूछ लेते हैं कि मैं आपको ऑप्शन देकर दिए इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो आप उसमें देखें 6 दिया है तो 6 दिया होगा आपको, या 28 दिया होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो ये जो है प्राइम नंबर की जो है जितना भी काम है प्राइम नंबर के बारे में सीखा। प्राइम नंबर पहला जो अगर देखें फर्स्ट जो वीडियो था वो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। तो 1 to 100 तक मैंने बताया 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 74 क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। फिर हमने सीखा ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर यानी जिनका डिफरेंस 2 का होता है ऐसे प्राइम नंबर। तो हाँ वहाँ ये चीज़ जरूरी है, कंपल्सरी इट इज कंपल्सरी दैट दे बोथ आर प्राइम नंबर, वो तो प्राइम नंबर होने जरूरी है। लेकिन हम उसके बाद हमने को प्राइम में क्या कहा था, को प्राइम में ये कहा था प्राइम होना जरूरी नहीं है, बस ऐसे कोई भी दो नंबर आप उठा लो आप कहीं से भी, और उनका आप एचसीएफ लो, अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो कहेंगे को प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का एचसीएफ तो 1 होता ही है, और उनका एलसीएम क्या होता है, उनका एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप। जैसे अब ये है मान लो 2 और 3 है, और इसके अगर एलसीएफ की बात करें तो एलसीएफ हमेशा 1 आएगा, लेकिन एलसीएम क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यानी इनका ये है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट नंबर, परफेक्ट जिसे बताया मैंने, ऐसे जो है ऐसा एक नंबर जिसके अगर फैक्टर लिखे हम, और उसके फैक्टर को अगर हम क्या करें ऐड करें, तो ये जो ऐड है उस नंबर का क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। अगर डबल आ रहा है तो परफेक्ट नंबर है, वरना नहीं है। तो आज भी इतना करती है, और नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ जोड़ लेंगे। ओके, थैंक यू।